स्टार्ट। महोदय, वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया। जलवायु परिवर्तन बेहद खतरनाक रूप से आजीविका के हर पहलू के लिए खतरे पैदा कर रहा है, लेकिन हमारा शोध बताता है कि उष्णकटिबंधनीय क्षेत्रों में मौसम की निगरानी करने वाले खस्ताहाल मौसम केंद्र शहरों में गर्मी की हकीकत को सही तरह से बता नहीं रहे। ये मौसम केंद्र गर्मी की तीव्रता को कम करके आंकते हैं। आज तेजी से हो रहे शहरीकरण में योजनाबद्ध और औपचारिक विकास पीछे छूट गया है। नतीजा यह हुआ कि बड़े शहरों के पास गरीब बस्तियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जहां बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में 1 अरब से भी ज़्यादा लोग हैं इन मलिन बस्तियों में रहने को मजबूर हैं, और अगले 30 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 3 अरब तक पहुंच जाएगी। केन्या बांग्लादेश जैसे देशों में लगभग आधी आबादी तो ऐसी ही बस्तियों में रहती है। ज़्यादातर ऐसे इलाके उष्णकटिबंधनीय क्षेत्रों में ही है, जहां साल भर उमस भरी गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ रहने वालों के सामने ऐसे खराब मौसम का मुकाबला करने के लिए विकल्प बहुत ही कम होते हैं। इन बस्तियों में बेहद कम आय वाले लोग हैं। इन्हें रोजी रोटी के लिए बाहर भी जाना पड़ता है और गर्मी व उमस की मार झेलनी पड़ती है। हमने शोध में 7 उष्णकटिबंधनीय क्षेत्रों में ऐसी गरीब बस्तियों में जलवायु निगरानी संबंधी आंकड़े जमा किए और फिर इनकी तुलना निकटतम मौसम निगरानी केंद्र द्वारा लिए गए तापमान और नमी के आंकड़ों से की। हमने पाया कि लोग अपने घरों में जितनी तेज गर्मी महसूस करते हैं, मौसम केंद्र उसकी तीव्रता को कम आंकते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि गर्मी के सटीक आंकड़ों के बिना हम सबसे कमजोर समुदाय की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। लोगों को लू के दौरान घरों में ही रहने और खूब पानी पीने के लिए कहा जाता है, पर गरीब बस्तियों में रहने वालों के घरों में ना हवा आने का इंतजाम होता है और ना ही पीने का साफ पानी मिलता है। मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सिर्फ आधे देशों में ही मौसम की पूर्व चेतावनी प्रणालियां लगी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारें और एजेंसियां इस दिशा में मिलकर काम करें और मौसम निगरानी नेटवर्क में मलिन बस्तियों को भी शामिल करें। ऐसे समाधान ढूंढना चाहिए जो उन्हें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद करे। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।